हाय गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेयर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़, वेरिएबल तो आपको पता है, सिंबल्स ऑफ वेयर लिखना है आपको। और इक्वल टू मैं देता हूँ इसको, सॉरी, वेरिएबल मैं ए लेता हूँ, इक्वल टू इसको वैल्यू देता हूँ एम आई। ओके, इसको मैं सेमी कोलन दे दिया यहाँ पर। अब ये सिंपल सा ये चीज़ तो आपको पता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें जाना है आपको और ए प्रिंट करना है, तो सिंपल मुझे ए की वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी, ये तो आपको पता है। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, तीन, ये तीनों का डिफरेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले चीज़, हम लोग वेरिएबल्स में क्या सीखा था हम लोगों ने, आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं हम लोग, सिंपल यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं डिक्लेयर करना। इसका मतलब है आपको अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपको वैल्यू मिलेगी अनडिफाइंड। देखिए, रिफ्रेश करता हूँ तो आपको अनडिफाइंड मिलेगी, क्योंकि आपने सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसको इनिशियलाइज़ नहीं किया है। तो मैं इसको इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ, ये नीचे जाके ए इक्वल टू एम आई। ओके, अब मैं सेव करूँगा, अब मुझे वैल्यू मिल जाएगी एम आई। ओके, क्या अब मैं इस वैल्यू को ओवरराइट कर सकता हूँ? जी, ज़रूर कर सकते। तो मैं वापस ए इक्वल टू लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ अनिकेत, सिंपल। मैं सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो आपको अनिकेत दिखाई देगा। ये तो क्लियर है, आपको पता है। अब इतना ही नहीं, हम लोग इस ये जो वेरिएबल लिखा है यहाँ पर, और एक वेरिएबल ए नाम से लिख सकते हैं और एक वैल्यू चेंज कर सकते हैं वेरिएबल लिखे। ओके, जैसे मैं सेव करता हूँ आपको गजानन दिखाई देगा। देखिए, इसका मैं मेरा कहने का मतलब है, आप ये चीज़ वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर डिक्लेयर किया, यहाँ इनिशियलाइज़ किया, यहाँ पर ओवरराइट किया और यहाँ पर फिर से ओवरराइट किया वेयर नाम देके। तो क्या यही चीज़ हम लोग लेट के साथ कर सकते हैं, वो अभी देखेंगे। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और हम लोग लेट के साथ काम करेंगे। ठीक है, इसको भी कमेंट करता हूँ, नहीं तो यहाँ पर आपको एरर दिखाई देगा। रिफ्रेश, देखिए। तो अब हम लोग लेट के साथ सेम चीज़ें करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर लेट लिखता हूँ, लेट भी एक वेरिएबल ही है, कॉन्स्ट भी एक वेरिएबल ही है और वेयर भी एक वेरिएबल ही है। सिर्फ ये अलग अलग चीज़ें हैं और अलग 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 तरीके से काम करते हैं, और वही चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में देख रहे हैं, वही डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। तो मैं लेट ए इक्वल सॉरी लेट ए को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, सिंपल है। अब मैं यहाँ पर इसको ऑन कर देता हूँ, अब मैं चेक कर लेता हूँ, रिफ्रेश, अनडिफाइन आना चाहिए, करेक्ट? तो ये अनडिफाइन, ये भी जैसे वेरिएबल में हम लोग डिक्लेयर करते हैं वायर में, तो लेट में भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए, अभी दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखी थी, ए इक्वल टू एम आई, यानी हम लोगों ने क्या किया था, इनिशियलाइज़। तो क्या इनिशियलाइज़ कर सकते हैं? ऑफकोर्स हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनिशियलाइज़ करूँगा मेरी लेट के वेरिएबल को, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पर एम आई दिखाई देगा, करेक्ट? अब यहाँ पर क्या हमने ओवरराइट किया था, तो क्या लेट में ओवरराइट कर सकते हैं, देखते हैं। चलो, मैं ए की इसमें फिर एक बार लिखता हूँ अनिकेत, यहाँ पर सेमी कोलन और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ पर ओवर राइट भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, तो देखिए, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, एक वेरिएबल बनाया था ए नाम से और फिर एक बार नीचे वेरिएबल बनाया था। तो क्या इसमें कर सकते हैं लेट में, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। फिर एक बार मैं लेट ए इक्वल टू गजानन लिख देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मैं एक बार, तो यहाँ पर आपको देखिए एरर दे देगा। तो ये डिफरेंस है वेयर में और लेट में। लेट में क्या होता है, आप इसको दो बार वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर वेयर में आप दो बार वेरिएबल या दो से ज़्यादा बार वेरिएबल असाइन कर सकते हो, लेकिन लेट में आप नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है लेट और वेयर का। देखिए, आइडेंटिफायर हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, वो बोल रहा है कि आपने ऑलरेडी इसको डिक्लेयर किया हुआ है, आप वापस यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, समझ गए, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे लेट और वायर के बीच में। तो अब हम लोग कॉन्स्ट देखेंगे। कॉन्स्ट का मतलब है कॉन्स्टेंट। ओके, तो कॉन्स्ट भी एक वेरिएबल ही है, तो इसको मैं अगेन यहाँ पर डिक्लेयर, देखिए यहाँ पर मैं डिक्लेयर करने जा रहा था। अभी जैसे मैंने इसको डिक्लेयर किया, जैसे इसको डिक्लेयर किया, वैसे मैं देख रहा था कि आप कॉन्स्ट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, पर आप डिक्लेयर नहीं कर सकते इसको, आपको, सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा यहाँ पर, ओ सॉरी सॉरी। फिर भी देखिए,
मैंने यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दिया और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए फिर भी वो क्या कह रहा है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। कॉन्स्ट आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर डिक्लेयर किया है, जैसे लेट में डिक्लेयर किया है, वैसे कॉन्स्ट आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर कर सकते हैं इक्वल टू, चलो देख लेते हैं, यहाँ पर मैं डाल के चेक कर लेता हूँ, मैंने ऊपर डिक्लेयर कर लिया और यहाँ पर इनिशियलाइज के लिए ऐसे चलता है क्या, तो मैं यहाँ पर जाके रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये भी नहीं चलता। तो कॉन्स्ट में ये दूसरा वाला जो हम लोग ने इनिशियलाइजेशन वाली जो स्टेप है तो वो भी नहीं चलती, या हम ओवरराइट कर सकते हैं, तो इनिशियलाइज ही नहीं चलती तो ओवरराइट हम कैसे करेंगे, करेक्ट, तो ये भी नहीं चलेगा। देखिए यहाँ सेमी कोलन देता हूँ, सॉरी यहाँ पर अनिकेत, तो मुझे ओवरराइट करनी है वैल्यू, तो मैंने सेव किया और चेक करता हूँ मैं यहाँ पर रिफ्रेश, देखिए प्रॉब्लम देगा अगेन, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। कॉन्स्ट नाम से ही पता चलता है हमें कि ये कॉन्स्टेंट है और इस की वैल्यू हम लोग दूसरी बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, करेक्ट है। देखिए ये यहीं पर एरर दे रहा है, तो इसमें क्या होता है, कॉन्स्ट में आपको यहाँ पर आपने वेरिएबल डाल दिया तो आपको यहीं पर इनिशियलाइज करना होता है, देखिए यहाँ पर ही इनिशियलाइज करना होता है हमें। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपको हमें दिखाई देगा ये, तो ये बात आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है, कॉन्स्ट के साथ, लेट के साथ और वैर के साथ। अब मैंने यहाँ पर इसको बना दिया तो मैं दूसरी बार इसको नहीं बना सकता, यानी कॉन्स्ट फिर एक बार मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, करेक्ट है। देखिए मैं सेव करता हूँ इसको, एक बार रिफ्रेश करता हूँ वापस, देखिए एरर देगा आपको, आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो इससे हमें क्या पता चलता है, वेरिएबल में हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसको ओवरराइट कर सकते हैं और फिर एक बार सेम वेरिएबल लिख के हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेट में हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, ओवरराइट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर से हम लोग वेरिएबल लेके वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, एक बार वेरिएबल मतलब दूसरी बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसको भी यहाँ पर दूसरी बार डिक्लेयर भी कर सकते लेकिन लेट में डिक्लेयर नहीं कर सकते। और कॉन्स्ट में तो आप डिक्लेयर भी नहीं कर सकते दो बार, ये वाला आप ओवरराइड भी नहीं कर सकते, और इनिशियलाइज तो आपको करना ही पड़ेगा, विदाउट इनिशियलाइजेशन नहीं हो सकता कॉन्स्ट में। ओके गाइस, तो ये डिफरेंस थे वायर में, लेट में और कॉन्स्ट में। तो मैं चाहता था कि एक वीडियो मैं यहाँ पर डालूँ आपके लिए, क्योंकि ये बेसिक है और ये बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके आगे से हम लोग ज़्यादा करके लेट यूज़ करेंगे। ओके, तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।